व्हाट्स अप गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल अगेन, होप यू आर फाइन। और गाइस, आज के वीडियो में हम ये जो आपका F550 हेक्साकॉप्टर ड्रोन है गाइस, और इसमें हमने पिक्सॉक फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड यूज़ किया हुआ है, तो देखेंगे कि पिक्सॉक फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड की आपको वायरिंग कैसे करनी और सेटअप कैसे करना। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया कि ये जो पिक्सॉक फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड हमने इसमें यूज़ किया है तो उसका जो सेटअप कैसे होगा, कनेक्शन कैसे होगा, उसके बारे में वीडियो बनाई है डिटेल में। तो वीडियो जो है मैंने पूरी डिटेल में वीडियो बना दी है, तो वीडियो देखिएगा पूरी तरीके से। आपको जो है सारी जो इसकी जो प्रोग्रामिंग है, सॉरी प्रोग्रामिंग को छोड़ के इसका जो सारा सेटअप है, वायरिंग वगैरह, वो आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। और विदाउट PTM एनकोडर आप इससे जो है कैसे कनेक्ट कर सकते हो फ्लाइट का ICP ट्रांसमीटर को, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है और जो सेटिंग है ट्रांसमीटर की, वो मैंने बताया हुआ। तो वीडियो पूरी तरीके से देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को जो है हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इसके सेटअप की वीडियो में, तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं। सो गाइस, आप जैसे कि देख सकते हो, ये हमारा हेक्साकॉप्टर ड्रोन है F550। तो सबसे पहले ये मैंने लैंडिंग गियर असेंबल पहले ही कर लिया है, तो अब डायरेक्टली आप जो है इस कंडीशन में आप डायरेक्ट फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड माउंट मत करिएगा, क्योंकि अगर आप इस पर प्रेशर अप्लाई करोगे तो वो जो है टूटने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि हमारा ऊपर का जो फ्रंट प्लेट है वो हमने नहीं किया हुआ है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, एक कौन सा भी कुछ भी ले लेना है गाइस, जिसके ऊपर हम अपना ड्रोन जो है रख सके। ओके, तो जो बॉक्स है उसके ऊपर हमने रख लिया है। ओके, तो अभी होगा क्या कि हम अगर कितना भी अगर हम यहाँ पर प्रेशर लगाए तो वो लैंडिंग गियर पे उसका कोई भी असर नहीं होगा, और जो फ्रेम को कोई भी हमें डैमेज जो है वो नहीं होगा। तो बेसिकली अब यहाँ पे हमारा सारा फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड की एसेसरीज आप देख सकते हो, तो ये फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड और सारी चीज़ें हैं, और यहाँ पर हमारा डबल साइडेड टेप। तो सबसे पहले हमें क्या करना है गाइस, मैं जो है कैमरा थोड़ा क्लोज़अप में सेटअप कर देता हूँ, तो जिसकी हेल्प से आपका पूरा व्यू जो है वो दिखेगा। तो जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हो, यहाँ पे ये जो इमेज है ये मोटर का जो लेआउट है उसकी है। तो मतलब इस इमेज में आप जैसे कि देख पा रहे हो, तो उस हिसाब से हमें जो है हमारे जो ये ESCs हैं वैसे कनेक्ट कर रहे हैं। तो सपोज़ अगर ये मोटर नंबर 5 है, देखिए हमारी फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड की डायरेक्शन ऐसी है, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड में देखो, एडजस्ट करने दो कैमरा, ओके, तो अगर आप फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड में देखोगे आपको ये एरो दिखेगा, ये जो है हमारा जो ड्रोन का फ्रंट है, फ्रंट साइड जो है वो इंडिकेट करता है। तो सपोज़ मैंने फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड ऐसे माउंट कर दिया, तो ये जो है हमारा फ्रंट साइड है। तो सपोज़ जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हो, तो ये जो है वो मोटर नंबर 5 है। ओके, 5 या फिर जो कुछ भी होगा, आई थिंक 5 भी है, 5 है ये वाली जो है, 5 है। तो इसका जो ESC है ये वाला, ओके, तो वो मेन आउटपुट जो 5 है यहाँ पे आप देख सकते हो, ओके, तो मेन आउट आप यहाँ पे देख सकते हो, मेन आउट। तो मेन आउट में आप देख सकते हो ये मेन आउट है, मेन आउट 5 यहाँ पे देख सकते हो नंबर, मेन आउट 5, इस 5 में वो पिन जाएगा इस आर्म का। ओके, तो आप जैसे कि इमेज में देख ही पा रहे हो ये साइड वाली इमेज में, तो इस हिसाब से ही आपको सारा जो कनेक्शन है वो कर लेना है। और जो आपका ग्राउंड जो होगा, मतलब ये जो पिन है नीचे वाली, ये आपकी जो है वो प्लस है, ओके, सिग्नल पिन है नीचे वाली, सारी पिन जो है वो सिग्नल है। तो आपकी जो ESC की जो सिग्नल पिन है, जो कि ब्राउन कलर की है, सॉरी येलो कलर की है, वो जो है आपकी सिग्नल पिन है। ओके, तो ये आपको जो है कनेक्शन कर लेना है, मैं अभी आपको दिखा नहीं वाला हूँ कि कैसे कनेक्शन करना है। तो कैमरा जो है वो क्लोजअप में हम सेट कर लेते हैं। ओके, अगर आपको बैकग्राउंड में कोई नॉइस सुनाई दे रहा हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ गाइस, तो कैमरा मैं क्लोजअप में सेट कर लेता हूँ एक बार। तो गाइस, मैंने जो है यहाँ पे अपना वाइब्रेशन ऑब्जर्वर पैड जो है वो मैंने लगा दिया उसके ऊपर फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड। और अब ये फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड की आप देख सकते हो यारो, ये जो फ्रंट है, तो यहाँ पे हमें बीचों बीच जो फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड है वो लगा देना है।
तो जैसे कि देख सकते हैं मैंने बीचों बीच जो है हमारा फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड जो है वो फिक्स कर दिया है। ओके ओके तो ये हमारा फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड फिक्स हो चुका है बीचों बीच। अभी हम बेसिकली हमारे जो ESCs हैं एज अ मोटर लेआउट, आप इमेज देख पा रहे हो, तो एज अ मोटर लेआउट हम जो हमारे ESCs वो फिक्स कर लेते हैं। तो एक बार कैमरा में और क्लोजअप में सेट कर देता हूँ। तो जैसे कि देख सकते हो मैंने ये फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड माउंट कर लिया है। तो हमारे अभी हमारे ESC का कनेक्शन करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो ESC ये जो वाला है ये फ्लाइट हमारी फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड की फ्रंट डायरेक्शन है, ड्रोन की फ्रंट डायरेक्शन है। तो ये वाली जो मोटर है ये वाली फर्स्ट मोटर है हमारी। ओके जैसे कि देख सकते हो ये वाली हमारी फर्स्ट मोटर है, ये सेकंड वाली मोटर है, ये थर्ड वाली मोटर है, ये फोर्थ वाली है, ये फिफ्थ वाली है और ये सिक्स्थ वाली मोटर है। ओके तो ऐसे ही हमारी ESC की भी कनेक्शन करते हैं। तो वैसे भी हमें ESC की कनेक्शन कर देना है। तो मोटर नंबर फर्स्ट ये है, तो इसका ESC ओके तो ये जो मोटर फर्स्ट है तो इसका ये ESC की BEC पिन है गाइस, तो वो हमें मेन आउट वन में लगा देनी है। तो आप इस पिन में देख सकते हो गाइस हमारा जो येलो कलर का वायर है वो सिग्नल है। तो जैसे कि पिक्सॉक फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड में सिग्नल जो है वो नीचे की तरफ लगता है। ओके तो हमें मेन आउट फर्स्ट में ये जो वायर है हमारी वो प्लग कर देनी है। ओके वो हमने लगा दिया। अभी ये जो मोटर है सेकेंड है, तो इसका जो BEC का हमारा वायर है ओके वो हमें मेन आउट सेकेंड में लगा देना है। यहाँ पे मेन आउट आप यहाँ पे नंबर देख पा रहे हो, फर्स्ट यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं लेकिन आप देखकर देखोगे यहाँ पे नंबर लिखे है मेन आउट में। तो वैसे ही हमें सारा जो है फ़ोटो के हिसाब से देख के, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी फ़ोटो की, तो वैसे हमारी जो ESC है वो हर जो हमारा मेन आउट है उसमें प्लग कर देना। तो वो मैं एक बार सारा प्लग कर देता हूँ। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो हमने वायरिंग जो है वो कंप्लीट कर दी है, सारे ESC के जो BEC वायर वो मैंने लगा दिए है। अब बेसिकली हमें करना क्या है, उसके साथ में हमें ऐसा कुछ बजर मिल जाता है पिक्सॉक फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड के साथ में, ये वाला बजर ओके, या फिर आप ये वाला जो बजर है वो भी यूज़ कर सकते हो। ओके तो हम ट्रेडिशनल वाला ही करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखो 2 मिनट में कैमरा जो है उस वहाँ से सेट कर देता हूँ, आप देख सकते हो तो यहाँ पे बजर ओके ये बजर, तो यहाँ पे आपको अपना जो बजर है वो लगा देना है। तो ये हमारा भी बजर लग गया है, तो हम जो है यहाँ से हम जो है इस बजर को बाद में फिक्स कर देंगे। उसके बाद में आपको कुछ सेफ्टी स्विच मिल जाता है इस तरीके का, आप देख सकते हो ये हमारा सेफ्टी स्विच है। ओके तो ये हमारा सेफ्टी स्विच हो गया गाइस, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमारा सेफ्टी स्विच है, आप देख सकते हो उसकी आवाज़। तो ये सेफ्टी स्विच है और इसके अंदर एक LED भी है गाइस। ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि स्विच आपको दिखाई दे रहा है, तो स्विच की जगह पे हमें ये हमारा जो सेफ्टी स्विच है वो लगा देना है।
ओके तो हमने हमारा सेफ्टी स्विच जो है वही लगा दिया है। अब रिमेनिंग है गाइस हमारे जीपीएस, आप जीपीएस देख सकते हो, ये हमारा जीपीएस है पूरा रेडी टू स्काई का है हमारा जीपीएस, हाई क्वालिटी जीपीएस आप देख सकते हो। सारे जो पार्ट्स हैं हमारे स्टोर पे जितने भी पार्ट्स अवेलेबल है वो सारे हाई क्वालिटी के, आप इवन अगर मोटर वगैरह देखो तो वो हम लो क्वालिटी की जो मोटर होती है जिसके ऊपर मैन्युफैक्चर वगैरह का नाम नहीं लिखा होता है वो भी हम सेल नहीं करते गोल्डन कलर की। तो सारे जो प्रोडक्ट है वो आपको हाई क्वालिटी का मिलने वाले हैं। तो अभी ये जीपीएस है, जीपीएस अभी हम फिक्स कर लेते हैं। ओके तो इसको पैकेट को मैं अभी फोड़ लेता हूँ। तो गाइस ये रहा हमारा जीपीएस और उसके साथ में हमें कुछ ये अपना जो टेप है, सॉरी डबल साइडेड टेप जो है वो आपको मिल जाएगा। तो ये जो गाइस हमारा जीपीएस है वो दो मिनट रीड कर रहे थे, हाँ फॉर पिक्सॉक और एपीएम दोनों के लिए आप यूज़ कर सकते हो। ओके तो आप देख सकते हो वहाँ पे फॉर पिक्सॉक और एपीएम आप दोनों के लिए यूज़ कर सकते हो। तो अभी ये जो जीपीएस वो M810 जीपीएस है गाइस। कभी ये एलईडी के फ्लैश की वजह से दिख ही नहीं रहा है क्लियर। तो ये जो जीपीएस है वो M810 वाला जीपीएस है। ओके आप जैसे कि देख सकते हो M810 वाला जीपीएस है, टॉप वर्जन वाला बाय यू बॉक्स। तो उसके जीपीएस है हाई क्वालिटी का जीपीएस है गाइस ये भी, तो वो हम अभी फिक्स कर लेते हैं। तो गाइस अगर आप जीपीएस में देखो तो आपको दो पिन्स मिल जाएंगे, एक जो है वो आपका जीपीएस की पिन है, ये बड़ी वाली पिन देख रहे हो गाइस आप, ये बड़ी वाली जो पिन है वो हमारी जीपीएस की पिन है और ये जो छोटी वाली जो है दो वाली वो हमारी I2C की है। तो अगर आप फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड में देखो तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो जीपीएस का पोर्ट है, आप देख सकते हो ये हमारा जीपीएस का पोर्ट है। ओके ये वाला और उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो I2C, I2C में हमारी I2C वाली जो छोटी वाली केबल है वो प्लग कर देनी है और जो बड़ी वाली जो पिन है जीपीएस आप लिखा है वो हमारी बड़ी वाली पिन प्लग कर देनी है। तो हमने जैसे कि जीपीएस भी हमें लगा दिया है। ओके ये जो कनेक्शन मैं सारे ऊपर बता रहा हूँ गाइस, अभी पूरा फ्रेम वगैरह का सेटिंग करना भी बाकी है, पूरा फ्रेम वगैरह सेट करना। तो गाइस उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पावर मॉड्यूल है गाइस, तो पावर मॉड्यूल से एक आउटपुट वायर निकल जाती है ये देख सकते हो आप। तो ये जो वायर है हमें पावर में कनेक्ट करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं पावर लिखा हुआ आ रहा है, तो इसके जो वायर है हम पावर में कनेक्ट कर देते हैं। दो मिनट ओके तो पावर मॉड्यूल की वायर हमने कनेक्ट कर दी है। अभी बेसिकली हमें कनेक्ट करनी है हमारी टेलीमेंट्री। ओके तो वो टेलीमेंट्री कहाँ गई, दो मिनट में टेलीमेंट्री लेके आता हूँ। तो जैसे कि देख सकते हो ये है हमारी टेलीमेंट्री है गाइस, तो ये टेलीमेंट्री हम अभी निकाल लेंगे।
तो गाइस आपको टेलीमेट्री आप निकालोगे तो आपको ऐसे दो दिखेंगी, एक जो है अपना ग्राउंड मॉड्यूल है और आपका एयर मॉड्यूल आप यहाँ पे देख सकते हो। ग्राउंड देख सकते हो, ग्राउंड एंड एयर। ओके, तो एयर मॉड्यूल जो होता है वो हमें पिक्सॉक में कनेक्ट करना होता है, और ग्राउंड मॉड्यूल जो है आपने अपना जो ग्राउंड स्टेशन कंट्रोल जो है वहाँ पे कनेक्ट करना होता है, लाइक हमारे लैपटॉप या फिर हमारे स्मार्टफोन में। तो सबसे पहले भी हमें एयर मॉड्यूल ले लेना है गाइस अपना, और हमें वहाँ पे वायर लगा देनी है। तो गाइस यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो टेलीमेट्री वन और टेलीमेट्री टू, तो हमें टेलीमेट्री वन में जो है हमारी जो टेलीमेट्री की जो पिन है वो कनेक्ट कर देनी है। ओके, तो हमारी टेलीमेट्री कनेक्ट हो चुकी है, अभी हम उसे अपना जो एंटीना है वो अभी लगा देंगे। और इसे भी हमने गाइस फिक्स कर दिया है। अब रिमेनिंग कनेक्शन जो है गाइस हमारे रिसीवर के हैं। ओके, तो अब जो है रिसीवर कनेक्ट करने के लिए आप नॉर्मली पीपीएम, ये जो फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड है इसे पीपीएम इनपुट लगता है। ओके, तो इसलिए आप जो है पीपीएम एनकोडर का यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि गाइस अगर आप पीपीएम एनकोडर यूज़ करें तो फिर बहुत सारे आपको जो है वायरिंग करना पड़ेगा पीपीएम एनकोडर में, क्योंकि जैसे कि वो पीपीएम एनकोडर होता है गाइस, जैसे कि बेसिकली हमारा जैसे कि कनेक्टर होता है, जैसे कि हम जो है मोबाइल कनेक्टर होता है हमारा, ओटीजी कनेक्टर आप ले लो, तो ओटीजी कनेक्टर होता है गाइस, जैसे कि हमारे जो पीडी है वो पीडी हम अपने मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हो ओटीजी कनेक्टर से। तो एक तरफ अगर आप देखें तो हमारा इनपुट होता है फीमेल, जो पीडी पेन ड्राइव का जो फीमेल पोर्शन होता है, पार्ट जो होता है वो एक तरफ होता है, और दूसरी तरफ जो हमारा चार्जर का जो टाइप होता है, सी टाइप, बी टाइप, ए टाइप, तो उस टाइप का जो पिन होता है तो वो जो है वो कन्वर्ट कर देता है। ओके, तो ऐसा ही गाइस यहाँ पे भी होता है, बेसिक आप समझ सकते हो, आपको समझाने के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो बेसिक सा यहाँ भी आपको जो है सेम फंडा आपको दिखेगा कि हमारे जो सिग्नल है जो रिसीवर से आ रहा है स्टैंडर्ड, उसे कन्वर्ट करके ये पीपीएम में कन्वर्ट कर देता है पीपीएम एनकोडर। ओके, तो आप वो यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं ये कमेंट नहीं करूँगा कि आप यूज़ करो, क्योंकि अगर आपके पास फ्लाइस्काई आईसिक ट्रांसमीटर है तो उसमें आप सेटिंग में जाके उसके जो रिसीवर है उससे ही डायरेक्टली पीपीएम आउटपुट आप निकाल सकते हो, मतलब आपको स्पेशल कोई पीपीएम एनकोडर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप जो है डायरेक्टली उसके जो रिसीवर है उसमें आप पीपीएम एनकोडर के सिग्नल दे सकते हो। ओके, तो उसके जो सेटिंग है वो हम देखने वाले हैं अभी, तो आपको कैसे करना है। ओके, तो वो करने से पहले आप बेसिकली हमें जो है अपना रिसीवर का जो पिन है वो कनेक्ट कर लेना है। तो अगर आप पिक्सॉक आप खरीदो तो उसके साथ में आपको ये पिन मिल जाएगा। ओके, तो सबसे पहले अभी करना क्या है, कैमरा जो है उस तरफ सेट कर लेता हूँ फिर से। तो गाइस बेसिकली हम यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे आरसी इन का जो है आपको दिखाई देगा, आरसी इन पहले नंबर पे देख पा रहे हो गाइस आप। ओके, तो ये आरसी इन है, तो उसकी जो फर्स्ट नंबर की पिन है फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड में, तो अब हम हमारा रिसीवर ज्वाइंट करना है गाइस। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो ये हमारा रिसीवर है, आप देख सकते हो यहाँ डबल स्लाइड टेप यहाँ पे लगा लिया है। तो गाइस मैं जैसे मैंने पिछले अभी कहा था कि आपको जो है चैनल नंबर फर्स्ट में कनेक्ट करना है। ओके, सो लेट मी फोकस इट अप।
ओके, तो आप देख सकते हो गाइस चैनल नंबर फर्स्ट पीपीएम दिखा रहा है, चैनल वन स्लैश पीपीएम है, पीपीएम स्लैश चैनल वन। तो यहाँ पे हमें हमारा जो रिसीवर का पिन है ये वाला, वो भी कनेक्ट कर देना है। ओके, तो ये पिन अगर बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो पिन्स है बहुत सारी। ओके, तो जो फर्स्ट वाली जो पिन है ये जो है ये मत देखो गाइस आप, बस इतना ही पिन देखो। तो फर्स्ट वाली जो रो है वो सिग्नल है, मिडल वाली जो है वो आपकी प्लस है, और जो ग्राउंड वाली है वो है आपका माइनस, मतलब ग्राउंड। ये जो पिन है गाइस आपकी फर्स्ट वाली पिन है, ग्राउंड वाली है आपकी प्लस, और फर्स्ट वाली आपकी सिग्नल। ओके, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास भी एक वाइट है मतलब प्लस, और रेड मतलब आपका वाइट है मतलब सिग्नल, रेड मतलब आपका प्लस हो गया, और जो ब्लैक है वो आपका ग्राउंड हो गया। रेड मतलब VCC आपका ये ग्राउंड, और ये आपका सिग्नल। ओके, तो हम कनेक्ट कर लेते हैं अभी। ओके गाइस, तो अभी हमने हमारा रिसीवर जो है वो कनेक्ट कर लिया है, अभी हम चलते हैं ट्रांसमीटर के सेटअप के ऊपर। तो गाइस ये हमारा ट्रांसमीटर है, तो अब सबसे पहले हम इसे भी शुरू करेंगे। ओके, तो सबसे पहले अभी हमें करना क्या है, सेटिंग में जाके आपका जो है सेटअप में जाना है। यहाँ पे अभी आपको जो है ऑक्सिलरी चैनल्स में जाना है सबसे पहले, ओके दबा देना है। उसके बाद में हमारा जो है चैनल नंबर 5 है, चैनल नंबर 5 पे हमें हम हमारे जो फ्लाइट मोड्स है वो सेट करने वाले हैं, जैसे कि लॉयटर वगैरह। तो इसलिए आपको जो है ESWC है, 3 पोजीशन स्विच, ओके इसका नाम है SWC, कि जैसे कि आप देख सकते हो SWC, तो ये सेट करना है। ओके, तो अभी ये दिखा रहा है गाइस, ये दिखा रहा है VRA, मतलब आपके यहाँ पे देख सकते हो आप VRA, तो इससे निकाल के हमें SWC सेट करना है। ओके, SWC, ओके, और आपको सेव करने के लिए कैंसिल का बटन दबा के रखना होता है। ओके, तो अभी ये सेव हो चुका है, अगर आप एंटर फिर से दबाए देख सकते हो SWC ये सेट हो चुका है। अभी आपको एक बार फिर से बैक जाके आपको फंक्शनल सेटअप में जाना है। आप देख सकते हो यहाँ पे RX सेटअप, उसके आपको एंटर करना है। उसके बाद में आपको PPM आउटपुट दिखाई दे रहा है, उसको एंटर करना है, और ये जो अभी ऑफ है तो हमें ऑन कर देना है। ओके, हमें ऑन कर दिया है, अब इसको कैंसिल का बटन दबा के रखना सेव करने के लिए। एक बार हम एंटर फिर से जाके देखेंगे, अब देख सकते हो अभी ये सेव हो चुका है, ऑन है। ओके, तो अभी हमारे रिसीवर के सिग्नल जो है वो हमें अभी दिखाई देंगे मिशन प्लानर में। तो ये बेसिक सा सेटअप था गाइस, ये हमने कर लिया है। अभी बेसिक सा प्रोग्रामिंग करने के बाद में हम हमारा जो ड्रोन है वो टेस्ट फ्लाइट करने के लिए जाएंगे। ओके, तो